नेता जिन्होंने कल मुजफ्फरनगर की धरती पर इतिहास रचा है। और लोग बताते हैं कि मुजफ्फरनगर की धरती पर किसानों का इतना बड़ा महासम्मेलन अब के पहले कभी नहीं हुआ है। तो वो मेरे साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत जी। बहुत शुक्रिया टिकैत जी। कल के आपके कार्यक्रम के बाद आप क्या संदेश देने में सफल रहे हैं जनता को, सरकार को, राजनीतिक दलों को और किसानों को? देखो, संदेश देने में हम ये रहे कि देश का किसान एकजुट हुआ, देश की जो समस्याएं थी वो सरकारों के सामने रखी, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश में पूर्ण रूप से हमने अपनी बात कही, LIU इंटेलिजेंस वहां पर होगी उसके माध्यम से गई, और किसी भी लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाई जाती है। ये भी आप अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, ये 20,000 कुर्सी लेके और 2,00,000 की भीड़ बताते हैं, और इतनी बड़ी भीड़ को फिर ये हजारों में बताते हैं। क्या आप शक्ति प्रदर्शन करने आए थे कल? तो ये तो पूरा नहीं, ये तो किसानों की समस्याएं थी। शक्ति प्रदर्शन अभी कहां है? ये तो किसानों की समस्याएं थी, अपनी बात कहने आए कि भीड़ तंत्र के माध्यम से भी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं। इतनी भीड़ जुटाकर भी आपका मन नहीं भरा? नहीं, अभी तो पूरे देश भर में हम मीटिंगें करेंगे। जब तक सरकारें हमारी बात नहीं मानेगी, हमारे से बातचीत नहीं करेगी, 3 काले कानून वापसी नहीं लेंगे, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की धरती पाए तो गन्ना, आलू, धान, चावल, ये सारी जो चीजें हैं। आपका अनुमान क्या है और आपकी जानकारी सूचना क्या है, कल मुजफ्फरनगर में कितने किसान भाई इकट्ठा हुए थे आपकी महापंचायत में? हमें तो यही कि 20,00,000 से ज्यादा लोग थे। अब किसी का देखने का नजरिया क्या उसका है, तो भाई उसका तो पता नहीं, क्योंकि यहां से लगा के मुजफ्फरनगर से शामली 35-40 किलोमीटर की दूर उस रोड पर पूरे पे पब्लिक थी। क्षेत्र के लोग आ ही नहीं पाए, जो लोग अपने वहां से 8 बजे निकलने की जिनको आदत थी 9 बजे के, हम 1-1.5 घंटे में मुजफ्फरनगर चले जाएंगे, वे मुजफ्फरनगर तक आ ही नहीं पाए। सिसोली के लोग मुजफ्फरनगर तक नहीं आ पाए, क्योंकि सब लोग पूर्ण रूप से जाम में फंसे। तो जब इतना बड़ा भीड़ तंत्र आपने इकट्ठा किया, तो मेरी इस बात को मानने से आपको क्यों परहेज है कि ये शक्ति प्रदर्शन था आपका? और शक्ति प्रदर्शन से शक्ति प्रदर्शन मान लो भाई, अब अपनी भाषा में इसको कौन क्या कहेगा, इसमें मान लो शक्ति प्रदर्शन है तो शक्ति प्रदर्शन ही मान लो इसको। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे, आप सरकार को कोई प्रस्ताव देते इस महापंचायत के माध्यम से कि बातचीत दोबारा से शुरू की जाए? नहीं, हमने सरकार को, भारत सरकार को हमने मेल भेजी है कि आप किसानों से आप बातचीत करो। उनका जो जवाब आया बार बार, जो उनके मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बार बार एक ही बयान आता है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बातचीत कर लो। अगर वे कंडीशन बात करेंगे तो किसान तो कंडीशन पर बात करेगा नहीं, क्योंकि आप भी आपने भी एग्जाम दिए होंगे। आप जब हाई स्कूल इंटर में होंगे, BA में होंगे, तो अगर पर्चा बाहर से लीक हो जाता है तो वो परीक्षा तो रद्द हो जाती है पूरी। जब ये पर्चा लीक करने की इनको आदत है कि हम तो भाई पर्चा लीक करेंगे पहले ही और आप एग्जाम में बैठ जाओ, क्योंकि इनकी आदत तो खराब है ना, कि ये तो पर्चे लीक तो कर ये बातचीत इसलिए नहीं शुरू हो पा रही कि ये सशर्त बातचीत रखना चाहती सरकार, इसलिए आप और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि इसमें शर्त है? नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है। आपका क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन शर्त जरूर सुनाई हमारी ये है कि कोई भी बातचीत अगर भारत सरकार को करनी है, वो बातचीत बंद कमरे में हो, पहले कंडीशन लगा के बात हम नहीं करेंगे। कि वे पहले कंडीशन लगाएंगे कि कानून वापसी नहीं होंगे, आप बात कर लो। हमने कभी नहीं कहा कि कानून वापसी ले लो जब हम बात करेंगे। हमने कहा कि जो भी बात होगी वो बंद कमरे में अंदर होगी। सरकार को कोई अपना प्रस्ताव रखना है वो वहां पर रख सकता है, लेकिन किसान को कमजोरी दिखा के और ये दिखा के किसान हताश हो गया है 9 महीने में, और
हम बातचीत कर लेंगे, कानून वापसी नहीं लेंगे, जो आपको बात करनी है बात कर लो। मतलब इन्होंने डिसीजन सुना दिया, कोर्ट में जाने से पहले जी सजा सुना दी, फिर सिर्फ हमारे से मोहर लगवाना चाहते हैं, ये तो देश में नहीं होगा। आपके पास कोई फार्मूला है कि जिस फार्मूले के तहत आपकी यानी भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच बातचीत दोबारा से शुरू हो पाए? फार्मूला तो यही है कि बैठ के बात करो, जो भी बात कहनी सरकार को अंदर कहें। तो आप लाइव टेलीविजन पे हो, अभी अभी तत्काल सरकार को ऑफर दो, यही दे दो ऑफर। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं सरकार को, तो हमने चिट्ठी दे दी, सरकार जब बुलाएगी, हमारा किसान मोर्चे के लोग जो पहले जाते थे वे जाएंगे, जब सरकार बुलाएगी, जगह स्थान टाइम दिन सरकार को बताना पड़ेगा, हम जाएंगे। दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं, दरवाजे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार खोल दे दिल्ली के, हम बातचीत करेंगे। हम अगर तोड़ के जाएंगे तो फिर कहेंगे जी दिल्ली के दरवाजे तोड़ के फिर अंदर घुस के, हमको फिर घुसना बताएंगे, हम जानते सब चीज हैं, हम प्यार से भी दरवाजा खोलना जानते हैं और हम वैसा भी जानते हैं, ये देश का किसान है वैसा ही से आपका क्या मतलब है राकेश जी? तोड़ के भी जानता है वैसा ही से क्या मतलब है? है जी, वैसा ही से क्या मतलब है? वैसा ही का मतलब जैसा जैसा सरकार समझती हो ऐसा ही है ये किसान। ये किसान ना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगा। हम शांति से सरकार से बात करना चाहते हैं। 9 महीने से ज्यादा हो गए, 10 महीने इस आंदोलन को चलते दिल्ली में हो गए, एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे। भारत सरकार को बार बार कहा कि आप बातचीत के रास्ते खोल लो, खोलने भारत सरकार को पड़ेंगे, ये आज खोल लो, 2022 में खोल लो, 23 में खोल लो, 2024। अच्छा, आप पिछले कितने महीने से अपने घर नहीं गए हैं राकेश टिकैत जी? नहीं, घर क्या करना हमको जाकर, अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो आप? हमारा एक बार घर हो आओ। नहीं नहीं, क्या करेंगे, ना ना कोई नहीं जाना जी, जो एक बार खाली जब देश की आजादी की लड़ाई हुई तो बहुत लोग जो आजादी की लड़ाई में थे उनको काला पानी हुआ सजा, इन्हीं के बहुत लोग थे, इनके विचारक लोग थे जो वहां से माफी मांग के आगे थे। तो कोई कसम खाई है आपने कि आप अपने घर नहीं जाओगे? और पिछले कितने महीने से आप घर नहीं? हम नहीं जाएंगे। हम आए थे वहां से 26 नवंबर को, तो घर चले जाओ एक बारी, कोई दिक्कत है? नहीं, क्या करना है, ये देश का किसानों का आंदोलन है, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो इस आंदोलन में शहीद हो गए, वे तो जीवन में कभी घर आएंगे ही नहीं। जो 650 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए, परिवार तो उनके भी होंगे ना, उनके परिवार के लोग भी चाहते होंगे कभी हमारे भी परिवार के लोग यहाँ पर आ जाए, लेकिन जो शहीद हो गए वे कैसे अपने घर जाएंगे? तो आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? आप घर जा नहीं रहे हो, ये चल कैसे रहा है आपका सिस्टम? यहाँ पे आ जाता है, घर वाले आटा दाल भेज देते हैं और गांव के लोग आटा चावल दाल आलू भेज देते हैं, उसी का बन जाता है, यहाँ पे भंडारे लंगर भंडारे चलते हैं, उसी में अपना खाओ। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अखबार में इंटरव्यू में कहा कि दलाल परेशान है, किसान परेशान नहीं है। अब पता नहीं, दलाल भी तो वही नहीं के आदमी होंगे, हमारे तो है नहीं कोई, हमने तो उनकी तलाश कर रहे हैं ना कि भाई, हमने बार बार कहा कि जो क्रय केंद्र खुलते हैं उस पे किसान तो लाइन में लगा रहता है, लेकिन सस्ते में अनाज की खरीद करके MSP पे कौन बेचता है, उसकी एक बार जांच कर लो पूरे देश भर में क्या हो रहा है। किसान तो 10-15% बेचता है, उसका तो रिजेक्ट होता है, लेकिन इन्हीं के जो व्यापारिक लोग, इनके जो साथी लोग हैं, इनके जो पार्टनर हैं सरकार में, उनको लूट का टेंडर दे दिया इन्होंने। वो FCI के लोग भी होंगे, वो यहाँ के मिलर्स होंगे, वो इनके बिचौलवा लोग होंगे, इनके नेताओं के बच्चों के नाम पर खरीद के केंद्र खुलते हैं, तो इसकी जांच हो जाए चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी फरवरी में चुनाव है विधानसभा का, माना जा रहा है कि आपने मुजफ्फरनगर में ये शक्ति प्रदर्शन करके BJP को चेतावनी देने की कोशिश की है,
मैं क्यों ना मानूं कि ये प्रदर्शन राजनीतिक मकसद भी लिए हुए था? अब किसको चुनौती मिलेगी भाई, ये क्यों डरते हैं चुनौती से? भारत सरकार ने ये कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने, कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का, ये भी प्रचार करो, पहली जनवरी से बिकने वाली हर फसल दुगने रेट पर बिके। ये क्यों घबराते हैं? अरे तो गन्ना के रेट तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप आमदनी दुगनी की बात तो अभी बहुत दूर की है। उत्तर प्रदेश में तो देख रहे हैं आप, कितने वर्षों से गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ाई गई और आज भी 17,000 करोड़ रुपए करीब बकाया है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि भाई, एक तरफ ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी पूरे देश की, एक तरफ हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के जो रेट इनको बढ़ाने चाहिए वो बढ़ा नहीं, 17,000 करोड़ रुपए का बकाया बता रहे, वो है पूर्ण रूप से ये है, बोलने की किसी की हिम्मत है नहीं। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे, कोई मुजफ्फरनगर की दिल्ली की मीटिंग में कोई आएगा उसकी निगरानी रखी जाती है, वहां पर उनके पहरेदारी बैठाई जाती है। तो एक टेरर का माहौल देश में है, उत्तर प्रदेश में एक पूरा टेरर का माहौल बनाया हुआ है। आप तो कह रहे थे कि आप लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, लेकिन फिर आप लौट के लखनऊ आए नहीं, थोड़ा क्या मन में डर तो नहीं है उस कार्टून के बाद जो कार्टून एक जारी हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, कोई डर नहीं है, हम लखनऊ भी आएंगे, हम बनारस में भी जाएंगे, हम गोरखपुर में भी जाएंगे। मंडल वाइज जो मीटिंग अब होगी, 18 पंचायतें होंगी, तो उसमें लखनऊ भी आएगा। तो जब लखनऊ में पंचायत होगी तो लखनऊ में भी आएंगे, लखनऊ में तो 21 तारीख में भी हम आएंगे, एक प्रोग्राम है उसमें भी आएंगे लखनऊ। और फिर प्रमोशन तो होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है लखनऊ का? अगर प्रमोशन हो जाए तो होना चाहिए ना प्रमोशन। तो आप वो कार्टून भूल गए जो जारी हुआ था? तो हर लोग चाहते हैं ना, वो कार्टून के जरिए एक चेतावनी तो आई थी आपको, चेतावनी दे रखी है ना, चेतावनी से इनकी मानसिकता झलकती है पूरी, कि ये किसानों के साथ में क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये भी तो गांव में जाएंगे, ये कार्टून उल्टा भी समझ ले अपने आप को। ये कह रहे हैं कि ये 106 विधानसभा क्षेत्रों में कार्टून पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा करके आ चुके हैं लखनऊ वापस, आपको कहीं मिले ये लोग? हाँ, लखनऊ आ गए ना, मिले नहीं कहीं। ये यात्रा मनरेगा का जो मजदूर था वो यात्रा में शामिल था, जो इन्होंने खाट पंचायत करी उसमें उनको सबको बुलाया, जो पट्टा धारक थे वो उसमें थे, किसान तो थे नहीं, लेकिन जो मजदूर था वो जबरदस्ती, जिसने भी सरकारी कागज पकड़ लिया वो इनकी खाट पंचायत में शामिल जरूर था। एक अंतिम सवाल ये है कि उत्तर वोट दे नहीं रही, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी क्या दिलचस्पी है? नहीं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी ये है कि भारत सरकार ने, जो इनकी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने ये 3 काले कानून लेकर आई है। तो भाई उसके जो भाई बंद होंगे, जैसे अगर कोई एक भाई कत्ल कर देता है तो दूसरे भाई को बैठा ले पुलिस, तो भाई ये तो इन्होंने बिल ये लेकर आए हैं तो भुगतना इनको भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी। कहना ये क्या तो चाचा कहे ना, मुसेरे मुसेरे हैं सबके सब। भुगतने से आपका मतलब क्या है भाई? अगर भुगतने का मतलब ये है कि भाई आएंगे हम तो यहाँ पे भी तो अपनी मीटिंगें करेंगे ना। नहीं, आपने भुगतने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं ये भुगतने शब्द का जानना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? भुगतने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली सरकार गलती करेगी तो भाई पकड़े तो ये भी जाएंगे, भाई बहन तो उन्हीं के हैं ये भी। आप इनके खिलाफ काम करेंगे विधानसभा के चुनाव में? नहीं नहीं, हम तो इनका प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, हम खिलाफत कहां कर रहे, प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे? आप इन कृषि कानूनों ये भी प्रचार कर, हम भी करेंगे। इन कृषि कानूनों की वजह से आप बीजेपी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे? 3 काले कानून को वापसी लेने पड़ेंगे, पूर्ण रूप से आपका जो क्वेश्चन है वो सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन 3 कानूनों को ये वापसी ले ले, MSP पे गारंटी कानून बना दे, एक कमेटी बना दे, भारत सरकार और जो किसान मोर्चे के हमारे लीडर हैं उस कमेटी में रहेंगे, ये आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन 3 काले कानून इनको वापसी लेने पड़ेंगे। मायावती और अखिलेश यादव ने आज खुलेआम आपके कार्यक्रम, आपके आयोजन की सराहना की है, तो क्यों ना माना जाए कि विपक्ष आपके पीछे एक बड़ी ताकत बनकर खड़ा हुआ है?
अरे कहाँ है विपक्ष वाले, इनसे भी एक आध से मिलवाए तो हमको। ये वैसे ही कागज पे कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थे तो ये बहुत मजबूती से मंच पाड़ के बैठते थे। ये तो ऐसा लगे कि विपक्ष भी देश में कमजोर है क्या, इनको खुल के सड़क पर आना चाहिए। इतने आपस में सड़कों पे ना हो तो भाई इतना थोड़ा कुछ होता है। ये तो काम कागज पे लिख देते हैं कि साथ में दिखता कोई है नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी, अपना कीमती वक्त आज आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए निकाला।